Good morning to all of you. Welcome to our channel Chemistry Brain Booster. This is the class 11th lecture. I am Suchit, and today we are discussing some basic concept of chemistry, and the main topic is empirical and molecular formulae. First of all, we have to understand what actually the meaning of empirical and molecular formula. Why actually we are studying empirical and molecular formula, how it is and how it influenced our life, ये हमारे जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है, इसको पढ़ने से क्या फायदा है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये तो जान ले, तो देखिए आप एक बात जानते हैं कि फ्रॉम गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट आप बिना केमिस्ट्री के एक स्टेप भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं आज के इस मॉडर्न एरा में। और आप जानते हैं कोई भी मैटर जो होता है वो किसी न किसी कंपाउंड से बना होता है, और कोई भी कंपाउंड होता है वो मॉलिक्यूल्स एटम्स एलिमेंट से मिलकर बना होता है। यानी कहने का मतलब पूरी दुनिया में जितना भी मैटर है सब केमिस्ट्री, कहीं ना कहीं उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो कहने का मतलब किसी भी, अब जैसे मान लीजिए दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे मैटर है, और सभी मैटर किसी न किसी कंपाउंड से बने, सभी का कुछ नाम है ना, जैसे ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये ट्यूबलाइट है, ये फैन है, ये मैं हूँ, ये चेयर है, बहुत सारी चीजें हैं, ये पोडियम रखा है, बेंच डेस्क रखे हैं, स्टैंड है, ट्राइपोड है, कैमरा है, फोन है, ईयरफोन है, स्पीकर है। तो कहने का मतलब से दुनिया में बहुत सारे आदमी हैं, लेकिन क्या हम सबको आदमी ही कहते हैं, सबका नाम है रमेश, मुकेश, महेश, दिनेश, कार्तिक, संध्या, श्वेता, आरती, निकिता, विनीता, समझ रहे ना। तो उसी तरह से कहने का मतलब है जितने भी, उसी प्रकार केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो सारे कंपाउंड को सिर्फ कंपाउंड बोलने से काम तो नहीं चलेगा। जैसे सारे आदमी को आप आदमी नहीं बोल सकते, सबको इंडिविजुअली नाम से पुकारना पड़ता है, सो दैट उसको समझ में आए, आपको समझ में आए कि आप किसको बुला रहे हैं, उसको समझ में आए कि मुझे कौन बुला रहा है। उसी प्रकार से बहुत सारे केमिस्ट्री में कंपाउंड है, तो उन सारे कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए, तभी तो एक विशेष नाम के आधार पर ही तो हम उसको पुकारेंगे, किसी को बताएंगे, कोई हमारी बातों को समझ पाएगा, और जिससे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट जल्दी जल्दी होगा, आने वाली जेनरेशंस इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगी, और केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, साइंस का डेवलपमेंट होगा, लाइफ स्टाइल ईजियर होगा, मॉडर्न होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, कंपाउंड का नाम सोचा। अब कंपाउंड का नाम कैसे रखें भाई, पहले क्या होता था, जो मंगलवार को पैदा हुआ उसको मंगरा कह दिए, जो बुधवार को पैदा हुआ उसको बुधना कह दिए, लेकिन उसमें बड़ा कंफ्यूजन होने लगा, रोज आदमी मंगलवार को बहुत पैदा होने लगा, तो साले एक मोहल्ला 14-15 को मंगरा हो गया भाई, तो कहने का मतलब दिक्कत क्या आ रहा था। तो इसीलिए सोचा भाई लोग किया कि कैसे नाम रखा जाए, नाम रखने का कोई बेस होना चाहिए, किस आधार पर नाम रखा जाए, मंगरा बुधना से तो काम चलेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, कैसे देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, तो एलिमेंट के आधार पर ही उसका नाम रख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो उसका नाम रख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया कि सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना, सोडियम मतलब Na, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड NaCl, बात समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो किसी भी कंपाउंड का नाम रखने के लिए एलिमेंट के जो उसमें देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसके आधार पर उसका नाम रखा जाए। यानी किसी भी कंपाउंड का नाम रखना हो तो उसके लिए हमको उसका फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। जब तक उसका फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक हम उसका नाम नहीं रख पाएंगे, और फिर सब कुछ तहस नहस होता रहेगा। तो एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए, ठीक है। और उससे हमको ये भी पता चल जाता है, नेमिंग के साथ साथ मुझे ये भी पता चल जाता है कि ये जो कंपाउंड है ये किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि सोडियम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोलेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलेगा तो समझ में आएगा कैल्शियम कार्बन और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ऐसा नाम रखा जाए जिससे ये भी क्लियर हो जाए कि उसका नाम क्या है,
ठीक है, उसका काम क्या है, वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बना है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाए। यानी कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए, कंपाउंड को बेहतर तरीके से समझने के लिए मुझे एक फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम यहाँ कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल को बनने के लिए कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम की आवश्यकता पड़ती है। यानी ग्लूकोज का, यानी कार्बन के 6 एटम और हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम मिलकर के एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या हुआ, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कम से कम एटलीस्ट 6 कार्बन चाहिए और 12 हाइड्रोजन चाहिए और 6 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे आपस में, तब जाकर के एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का निर्माण होगा। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बताता है, इससे भी बेसिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला। कहने का मतलब यह है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब ये बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला कि किसी भी मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट किस रेशियो में मौजूद होंगे, उनका जो बेसिक रेशियो है वो क्या होगा। जैसे यहाँ पे ये बात तो समझ में आ गई कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है ग्लूकोज, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो मूलभूत रेशियो है, जो अनुपात है, वो किस अनुपात में होने चाहिए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। भैया हम सब जानते हैं कि चीनी में पानी मिलाएंगे शरबत बन जाएगा, लेकिन चीनी और पानी का एक अनुपात होना चाहिए ना कि इस अनुपात में मिलाएंगे तब शरबत बनेगा। अब ऐसा थोड़ा ना कि एक ग्राम पानी में एक दाना चीनी मिला देंगे तो शरबत बन जाएगा। एक अनुपात होता है कि एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे तब जाके बढ़िया शरबत बनेगा। तो खाली चीनी और पानी मिलाने से काम नहीं चलेगा, चीनी और पानी का एक अनुपात पहले पता होना चाहिए। अगर चीनी और पानी को मिलाने का रेशियो आपको पता नहीं है तो आपके पास चीनी और पानी होते हुए भी आप शरबत नहीं बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है, लेकिन आपको यह तो पता होना चाहिए उनका मूलभूत रेशियो क्या है, उनका फंडामेंटल रेशियो क्या है। जब तक रेशियो क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप उनको मिलाकर बना नहीं पाएंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वो रेशियो को बताता है कि किस रेशियो में, किस अनुपात में एलिमेंट को मिलाना है। तो देखिए जरा इसका डेफिनेशन जरा समझिए एम्पिरिकल फॉर्मूला का। द फॉर्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, उनके कितने एटम्स हैं, उनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। जबकि यहां पर क्या है, रेशियो ध्यान समझिएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है, यहां पर क्या है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, वास्तव में कितने एटम्स है। यहां पर देखिए, इसे कहने का मतलब कार्बन की तो पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन, 12 ऑक्सीजन, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट के बीच का रेशियो क्या है, तो कार्बन अगर 6 है तो हाइड्रोजन की संख्या 12 है तो ऑक्सीजन की संख्या 6 है। इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाइए तो 6 × 6, 6 × 12, 6 × 6, यानी 1:2:1 के रेशियो में उनको मिलाना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब कार्बन कितना होना चाहिए 1, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 2, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 1। लेकिन चूंकि हम 1 को दर्शाते नहीं है इसलिए हम क्या लिखा है, इसको CH2O। इसका मतलब ग्लूकोज का ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें क्या है, कंप्लीट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को दर्शाया जाता है। लेकिन उसी का अगर हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसका लोवेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो, जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करके इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाइए और वो जो रेशियो उसका होगा, कौन कौन से एलिमेंट का जो रेशियो होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जब तक आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं रहेगा तब तक आप इसको नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कैसे एम्पिरिकल, अगर हमको पता है तो हम कैसे मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे, मॉलिकुलर पता है तो हम एम्पिरिकल कैसे निकालेंगे, हम ये सीखेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला, तब आपके पास क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। याद रखने के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एबीसीडी में पहले ई आता है कि एम आता है, तो पहले ई आता है, यानी पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला का होना पड़ेगा एंड देन आफ्टर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बिना एम्पिरिकल फॉर्मूला के आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, क्या आप जानते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है,
एक मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं सभी एटम के मास को इंडिविजुअली जोड़ देंगे तो पूरे मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कार्बन के एटम का मास, हाइड्रोजन के एटम का मास, ऑक्सीजन के एटम का मास को जोड़ देंगे। जैसे कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12, तो एक कार्बन का 12 है तो 6 के लिए क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, ये कहां से आ रहा है पीरियोडिक टेबल से, तो 12 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा 12, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है 16 होता है ना, तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा 16 × 6 करना पड़ेगा। अब सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल, यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास निकल के आया। अगर हमको एटम का मास पता रहेगा तो एटम्स के मास को जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूल का मास नहीं निकल जाएगा। अगर ये मेरी हथेली का हमको मास निकालना है, उंगलियों का मास पता है तो उंगलियों के मास को जोड़ देंगे तो हथेली का मास नहीं निकलेगा। अभी ये मान के चल रहे हैं कि इसका मास नहीं है, नेग्लिजिबल है, सिर्फ उंगलियों से मिलकर हथेली बनी है, या फिर पूरा उंगली यहां से यहां तक का मास ले रहे हैं, पूरा यहां तक का मास ले रहे हैं, तो अगर उंगलियों का मास पता है तो उसको जोड़ देंगे तो हथेली का मास नहीं निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा। तो कहने का मतलब उसी प्रकार एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स के मास को अगर आप जोड़ देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो एटम्स हैं उनके मास को जोड़ेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, उसी प्रकार एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालने के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला में जितने भी एटम्स हैं उन सभी को मास को जोड़ देंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकलेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकलेगा, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। बात समझ में आ रहा है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, तो सम मतलब योग ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी इसको हम एक न्यूमेरिकल्स के माध्यम से समझाएंगे, 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं अभी, पांचों अलग अलग टाइप के होंगे और इससे आपके किसी भी एग्जाम्स का कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। एक शॉर्टकट तरीका बताएंगे, बहुत लेंदी नहीं बताएंगे, सिंपल तरीका बताएंगे, बिल्कुल देख करके बताने लगे रिलेशन बिटवीन। अब एक और बात है, क्योंकि थ्योरी चल रहा है तो पहले थ्योरी क्लियर कर देते हैं आपका, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। कभी भी अगर आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना हो तो मैंने क्या कहा, आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला होना चाहिए, अगर आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है तो आप मॉलिकुलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देना है, n का यहाँ पे इंटीजर है, होल नंबर है, जैसे 1, 2, 3, 4 हो सकता है, ठीक है। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो n into एम्पिरिकल फॉर्मूला याद रखिएगा, यानी अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। या अगर मान लिया क्वेश्चन में पूछ दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है और आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो मॉलिकुलर फॉर्मूला को n से डिवाइड कर दीजिएगा तो यहां से क्या निकल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो n कहां से आएगा भाई, चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको पता है, n पता रहेगा तब तो मल्टीप्लाई करके मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो सवाल आता है कि n कहां से आएगा, तो n निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिकुलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, एन निकल के आ जाएगा। अभी कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अभी एक एग्जांपल कराएंगे, सब एकदम झकाझक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पानी की तरह, एकदम बिस्तरी वाले पानी की तरह, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, एन निकलेगा। कभी कभी ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा एडवांस, किसी के जो बच्चे होंगे आईसीएसई के बच्चे होंगे विशेष ध्यान देंगे, कभी कभी उनके क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया रहेगा, क्या नहीं दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया रहेगा, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास के बदले कुछ दिया रहेगा, वो क्या दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी। एक बात का ध्यान देना है, कभी कभी अगर आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं देकर के अगर आपको वेपर डेंसिटी दिया हुआ है तो हमेशा क्या कीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है 2 × वेपर डेंसिटी। क्या होता है वेपर डेंसिटी, हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे, यहां अभी पढ़कर वीडियो को और लंबी नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा है। तो कहने का मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर आपको नहीं दिया है, अगर आपको उसके बदले वेपर डेंसिटी दिया है तो कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा 2 से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। ये बात याद रखिएगा, 12th तक काम आएगा, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू होता है 2 × वेपर डेंसिटी। अगर वेपर डेंसिटी दिया है और मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है,
मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × वेपर डेंसिटी होता है। ठीक है, वीडियो सही चल रहा है, मैं चेक कर रहा था। चलिए ये सब तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक है, एन इक्वल टू मॉलिकुलर फॉर्मूला बाय एम्पिरिकल, मॉलिकुलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। उसके बाद एन अगर मास, अगर मॉलिकुलर मास नहीं दिया हो तो उसके बाद यहां से हमने लिखा है कि मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू होता है 2 × वेपर डेंसिटी। इसको नोट करके लिख लीजिए, उसी के नीचे ये जो आपने लिखा है इसके नीचे आप लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। आप वीडियो को पॉज करेंगे और पहले यहां तक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे। ये जब नोट्स बन जाए उसके बाद आगे की लेक्चर आपको देखना है। ठीक है, ब्राइटनेस को बढ़ाकर रखेंगे अपने फोन का और ईयरफोन लगाए रहेंगे। अगर मेरी आवाज तेज हो रही है या फास्ट हो रहा है तो हो सकता है सेटिंग में इश्यू होगा, तो आप अपने फोन में सेटिंग में जाकर के प्लेबैक को आगे पीछे स्लो कर दीजिएगा, 0.25 कर देंगे, 75 कर देंगे तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर फास्ट देखना चाहते हैं तो उसको 1 कर देंगे। ठीक है, प्लेबैक ऑप्शन आता है, 3 पे क्लिक कीजिएगा तो फास्ट और स्लो हो जाएगा वीडियो। चलिए आगे चलते हैं हम, आप एम्पिरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला का तो थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब यहां से न्यूमेरिकल, यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। अभी सारी चीज मैं मिटा रहा हूं, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन इससे मेन है, सब यहां पे जो पढ़ाए हैं सब कोई काम का नहीं है, थ्योरी वही सब फालतू, इस एग्जाम में नहीं आएगा। यहां से क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, लेकिन क्वेश्चन को बनाने के लिए आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। अगर ये कॉन्सेप्ट डेफिनेशन क्लियर नहीं रहेगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं ये पता ही नहीं रहेगा, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे चलते हैं, 5 क्वेश्चन कराएंगे, एकदम जबरदस्त जबरदस्त धाकड़ क्वेश्चन, सब एकदम 0 से लेकर 8 तक का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। दिए गए नीचे कंपाउंड है उनका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखकर दिखाना है, और कंपाउंड है आपके पास C6H6, दूसरा है आपके पास C6H12, तीसरा है आपके पास H2O2, चौथा है आपके पास H2O, पांचवा है आपके पास Na2CO3, उसके बाद 6 है आपके पास, जगह कम पड़ जाएगा, स्पेस कम हो जाएगा, देखिए Na2CO3, इसके बाद आपके पास है B2H6, उसके बाद जी आपके पास काफी है, इतना कॉन्सेप्ट समझने के लिए काफी है, C3PO4। बारी बारी से इन क्वेश्चंस को हमें करना है, हमें क्या निकालना है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, और ये क्या दिया हुआ है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। क्या दिया बच्चों, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है जी, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकलेगा जरा देखें, हमने क्या बताया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, लोवेस्ट रेशियो होता है। देखिए यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का रेशियो क्या है, देखो कार्बन की संख्या कितनी है भाई, 6 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भी 6 है, इसका मतलब लोवेस्ट रेशियो क्या हो गया, 1:1, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन भी 1 और हाइड्रोजन भी 1, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH, और ये हो गया आपका आंसर, यानी C6H6 का एम्पिरिकल फॉर्मूला सिर्फ हो गया CH, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। अब यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का रेशियो क्या है जी, 6:12, हम इसको बोल सकते हैं लोवेस्ट पॉसिबल रेशियो में रखना है, तो 6:1 = 6, 6:12, 1:2 का रेशियो, यहां पर मिलेंगे CH2, और ये क्या हो जाएगा जी इसका आंसर, नहीं धस रहा है जी। चलो देखो, अब यहां पर H2O2 है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, क्या इसको और छोटा किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया सकता है, 1:1 में लाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा HO, OH पे लिखेगा जैसे है वैसा ही लिखना है, इसके बाद H2O का लिखना है, यानी यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो चेक कीजिए,
हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, क्या इसको और छोटा कर सकते हैं? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, यानी इसका आंसर 2:1 ही रहेगा। और H2O का यहां से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, पूछेगा क्या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? सवाल क्या है, क्या किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हो सकता है। किसका किसका हो सकता है? तो जैसे एग्जांपल है वाटर, यानी वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम हो सकता है। यानी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर ध्यान दिया कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तो आपको टिक करना रहेगा, तो चेक कीजिएगा, ठीक है? यहां से ऐसा एक मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था और ये उसका क्या निकल के आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब हम यहाँ पे Na2CO3 का रेशियो निकालेंगे। कौन कौन सा एलिमेंट है भाई? सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो बता दो सोडियम की संख्या कितनी है? 2। कार्बन की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है भाई? 3। क्या इसको और छोटा कर सकते हो क्या प्यारे? आई डोंट थिंक सो। मेरे कहने मतलब है कि हमको नहीं लगता है कि इसे छोटा आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है कि नहीं? 2:1:3, यानी इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी वही हो जाएगा। देखो एक और प्यारा सा एग्जांपल आ गया, यानी Na2CO3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला एज वेल एज इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है, ठीक है? अब B2H6 का बना लेगा यार, फिर अब नहीं बना पाएगा जी, अब बना लेगा, इसका सेम आएगा, इसको बनाना है, कमेंट करोगे मुझे, इसको बना के क्या करोगे? कमेंट करोगे। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, लोएस्ट पॉसिबल रेशियो में ला रहा हूँ और उसके बाद जो उसका आंसर आ रहा है वही उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जा रहा है। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एक मार्क्स का ही, ठीक है? दूसरे आप क्वेश्चन पे आते, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, जो एग्जैक्ट एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करते हैं, इसको मिटाओ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, समय बिल्कुल जाया नहीं करते हुए, एंड छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं, एंड द सवाल इज एंड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट एक प्रॉब्लम है आपके पास, एंड इन ऑर्गेनिक सॉल्ट and inorganic salt has the following percentage composition दिया है, sodium Na 29.11%, सल्फर 40.51% एंड ऑक्सीजन 30.38%। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, कैलकुलेट द, एकदम स्टार्ट बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है? कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला, आप यहां वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं, टाइम लग रहा है मुझे लिखने में। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है? इस क्वेश्चन में अब क्या निकालना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये 2 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले क्या कहता है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो क्या क्या चीज से मिलकर बना है, सोडियम से, सल्फर से और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जहां पर सोडियम कितना परसेंट है, 29.11%, सल्फर कितना है 40.51% एंड ऑक्सीजन कितना है 30.38% है। तो कहता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले क्या करना है आपको,
टेबल बनाने का है। क्या बनाने का है? टेबल। पहले क्या लिखना है यहाँ पे आपको लिखना है एलिमेंट, कौन कौन सा एलिमेंट है। इसके बाद लिखना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसी को हम मास बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? मास बोल सकते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। उसके बाद उसका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। ये कहां से लिखेंगे आप? पीरियोडिक टेबल से। उसके बाद क्या करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं जी? मास बाई मोलर मास, मास बाई एटॉमिक मास, या मास बाई, इसी को मोलर मास भी कहते हैं और इसी को एटॉमिक मास भी कहते हैं। यहां से क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। इसके बाद कहेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। क्या लिखना है यहां पर? सिंपलेस्ट रेशियो। उसके बाद एक और कॉलम बनाना है, लिखना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर कुछ छोटा छोटा दिख रहा होगा तो मैं बोलते जाता हूं, वहां से थोड़ा ध्यान देंगे। ये लिखा हुआ है एलिमेंट, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन जिसको हम क्या कहते हैं? मास। ये क्या है? एटॉमिक मास। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं जी? मास बाई एटॉमिक मास या मास बाई मोलर मास। यहाँ पे एटॉमिक मास है तो मास को एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो, ये कैसे निकलेगा बताएंगे। और यहाँ पे फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बताइए यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, ये टेबल आपको हर बार बनाना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको ये टेबल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी को थोड़ा छोटा छोटा टेबल बनाएंगे, आपकी कॉपी में इतना स्पेस होता नहीं है तो कॉपी हचपच नहीं करिएगा, ठीक है, साफ साफ बनाइएगा। अब कौन कौन सा एलिमेंट आपके पास? सोडियम है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है भाई आपके पास? सल्फर है। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में जैसे जैसे लिखा है आप वैसे वैसे ही लिखे, आप कैसे भी लिख सकते हैं। आप सल्फर को भी पहले लिख सकते थे, आप सोडियम को नीचे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट होना सारे एलिमेंट चाहिए, ठीक है। आप दूसरे क्लास में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब सोडियम का परसेंटेज कितना है? 29.11, यही इसका मास है। क्या है इसका मास? जो परसेंटेज होता है ना वो मास दिया है। अब सल्फर का मास कितना दिया है जी? 40.51। ऑक्सीजन कितना दिया है जी? 30.38। ये तो हो गया मास। अब बताइए सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? ये आपको पीरियोडिक टेबल से आपको पता करना पड़ेगा या आपको याद रखना पड़ेगा। तो सोडियम का एटॉमिक मास मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे जी? मास बाई मोलर मास करेंगे। तो मास बाई मोलर मास बताइए एटॉमिक मास, मास कितना है इसका? 29.11। एटॉमिक मास कितना है? 23। इसका कितना है मास? 40.51। इसका एटॉमिक मास कितना है? 32। इसका मास कितना है जी? 30.38। और इसका एटॉमिक मास कितना है जी? 16। इसको डिवाइड करके यहां से क्या निकाल लीजिए? नंबर ऑफ मोल्स। डिवाइड करने में टाइम लगेगा, मैं डायरेक्ट देखता हूँ इसका रिजल्ट में सॉल्व किया हूं तो क्या आया है। इसका वैल्यू आया है 1.26, और इसका वैल्यू आया है 1.89। सो सॉल्व करना है, कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, पहले डेसिमल को हटा के डिवाइड कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी होता है, 3 मार्क्स इसीलिए मिलता है। तो इसको डिवाइड करके ये वैल्यू आया 1.26, 1.89। अब क्या करना है आपको? इन तीनों में देखिए सबसे छोटी, यहाँ पे क्या है आप सिंपलेस्ट रेशियो है, तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करना है कि इन तीनों में देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। इन ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहीं पे चेंज होता है, यहीं पे सीखने की जरूरत है, यहीं पे बच्चे भूल जाते हैं। अब क्या करें, यहाँ पे करना क्या है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा तो 1.26 है, यहाँ भी 1.26, यहाँ भी 1.26, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे 1.15 होता तो इसी को लेते हैं, यानी जो सबसे छोटा रहेगा उसको लेना है, तो यहाँ पे हमने इसको ले लिया। आप चाहे तो इसको भी ले सकते हैं, दोनों तो सेम ही चीज है। जो सबसे छोटा है उसका क्या करना है? घेर देना है, और सबसे छोटे वाले नंबर से सभी को डिवाइड करना है, यानी 1.26 को 1.26 से डिवाइड कर देना है, 1.26 को 1.26 से। इसके डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है, तो सबसे छोटे वाले नंबर से ही डिवाइड करना है। यहां पर क्या है 1.89, और इसको डिवाइड करके से करेंगे 1.89 से डिवाइड नहीं कर देंगे, ये नहीं कि यहां देखेगा रे जैसे ऊपर में से नीचे, नहीं भाई, मैं बार बार कह रहा हूं छोटा वाला नंबर से डिवाइड करना है 1.26। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी? देखो जरा,
126 लगभग है 189, इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 1.5। कितना आता है? 1.5 आता है। अब आप बताइए क्या किसी भी किस आज तक किसी कोई कंपाउंड देखे हैं जिसमें कार्बन डेढ़ होता है? हमने कहा कि भैया डेढ़ कार्बन एटम लेना, एटम कभी एक दो अढ़ाई पौने सावा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन और एटम कभी भी आधा अधूरा पौना सावा में नहीं चलता है, ये सब पूरा होल में चलता है। या तो एक ही एटम किसी को देगा या दो ही एटम देगा, अढ़ाई एटम और पौने तीन एटम और सावा दो एटम नहीं देगा, क्वार्टर क्वार्टर पास क्वार्टर बिफोर ये सब नहीं चलता यहाँ पर। तो कहने का मतलब पौना ढाई अढ़ाई पौने ये सब नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 आ गया जो कि पॉसिबल एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा है। क्या किसी इसका कहने का मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का डेढ़ एटम शामिल है, क्या ऑक्सीजन का कभी डेढ़ एटम शामिल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने एक और कॉलम बनाया था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। हो सकता है कि जब आप दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो ये सारा का सारा होल नंबर में आ जाए, तो होल नंबर में आ जाएगा तो फिर दोबारा इसी को लिखना है, फिर मल्टीप्लाई नहीं करना है किसी से। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन लिया हूं ताकि मैं ये भी सिखा सकूं कि अगर मान लो मैं क्वेश्चन बनाते समय ऐसा फंस जाऊं फ्रैक्शन में नंबर आ जाए तो क्या कांड करना है। अब बताओ किसमें ऐसा क्या कांड करें कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए? तो स्मॉलेस्ट छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, तो 1.5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करो, 1.5 को 1 से करोगे तो 1.5 ही रह जाएगा, उसके बाद सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सीधा 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले 1 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से तो करने से कोई फायदा नहीं है, तो हमने क्या किया इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं समझ में तुमको आ रहा है? क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रैक्शन में जो है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, और होल नंबर में इस प्रकार कन्वर्ट करना है क्योंकि लोवेस्ट पॉसिबल रेशियो में रखना है। क्या निकालना है आपको? एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? लोवेस्ट पॉसिबल रेशियो होता है, इसीलिए जितना छोटा संख्या से हो सके उतनी छोटी संख्या से गुणा करना है आपको। तो 1 के बाद 2 से हमने ट्राई किया, तो अगर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया है तो 2 से इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि रेशियो सबका सेम न रहेगा जी। जब इसका रेशियो तुम डिस्टर्ब किया तो इसका रेशियो कैसे छोड़ देगा तुम? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसका रेशियो हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 1.5 3। इससे देयरफॉर क्या कंक्लूजन निकल के आया? देयरफॉर अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया, देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, दिए गए कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया जी? बता जरा बताइए, सोडियम की संख्या कितनी आई? 2। Na लिख देंगे 2। सल्फर की संख्या कितनी आएगी? 2 लिखेंगे, Na2S2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी आएगी? लिखेंगे Na2H2O3। और ये हो गया आपका आंसर। और इस प्रकार हम निकाल लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया कैसे निकालना है? सो एक बार देखिए, कोई बात नहीं समझ में आएगी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये एलिमेंट आपको दिया हुआ था, उसका कॉम्पोजिशन यानी उसका मास दिया हुआ था, एटॉमिक मास तीनों का आपने पीरियोडिक टेबल से निकाला, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या किया, ये मास को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, 29.11 को 23 से, 40.51 को 32 से, 30.38 को 16 से डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार तो डिवाइड करने के बाद क्या आया? 1.26 1.26 1.89। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए आपको देखना है कि ये तीनों जो वैल्यू आया है नंबर ऑफ मोल्स, उनमें कौन सा नंबर ऑफ मोल सबसे स्मॉलेस्ट है। जो नंबर ऑफ मोल सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा उसी से सभी के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है। ऐसा करने से आपको क्या निकल जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो। अगर ये होल नंबर में पहले से आ चुका, डायरेक्ट अगर होल नंबर में आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर होल नंबर में नहीं आया, अगर होल नंबर में नहीं है तो फिर ऐसा जुगाड़ लगाइए कि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस नंबर से किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? और लोएस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है, और उसके बाद जो आएगा वो आपका आंसर देगा। इससे कंक्लूजन निकल गया है, सोडियम का रेशियो 2 है तो मैंने 2 लिख दिए, सल्फर का एटम 2 है तो हमने 2 लिख दिया, ऑक्सीजन का एटम 3 है तो हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। ये क्या निकल कर आया? आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल कर आया। उसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए एक और क्वेश्चन कराएंगे अभी, इसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकालना रहेगा और मॉलिकुलर फॉर्मूला भी निकालना रहेगा।
देखिए जरा वीडियो का लंबाई ज्यादा तो नहीं हो गया वीडियो, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आपको परेशानी होगी। चलो अभी चलेगा, एक क्वेश्चन और बता सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं, इसको मिटाता हूं, ठीक है। इतना समझाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको भाई प्यार हो गया है, तुमको पढ़ाई लिखाई से मोहब्बत नहीं रह गया, तुमको किसी और से प्यार हो गया है, फिर तुमको अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा, मोटिवेशन करना पड़ेगा तुमको, मोटिवेट, तब कुछ हो पाएगा तुम्हारा। नहीं समझ में आ रहा तो भाई मोहब्बत हो गया, मोहब्बत होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक दूसरे सवाल को प्रस्थान करते हैं भाई, और क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ चल लेते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स, प्रॉब्लम है, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, 24.27% कार्बन, शॉर्ट में लिख रहा हूं सी, एंड 71.65% क्लोरीन, एंड 71.65% क्लोरीन, एंड 71.65% क्लोरीन, इट्स मोलर मास इज 98. इट्स जो कंपाउंड है उसके बारे में बोल रहा है, उस कंपाउंड का मोलर मास दिया है, इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम पर मोल गिवन है, ओके ये कॉमा दिया हुआ है अभी। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी फाइंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूल, एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है बच्चों, एम्पिरिकल का मतलब होता है ऑब्जर्व, सीन, फैक्चुअल, मतलब जो तथ्य है जिसको एकदम सही, इसे नहीं कहते हैं कोर्ट में ये सब वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, आपके पास कोई एम्पिरिकल एविडेंस है, मतलब आपके आंखों से देखा हुआ, आंखों देखा सबूत है आपके पास, तो एम्पिरिकल का मतलब आंखों देखा, फैक्ट, ऑब्जर्व, सीन, फैक्चुअल्स, तो फाइंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फाइंड एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में देखिए, उस क्वेश्चन में सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना था, जबकि इस क्वेश्चन में आपको एम्पिरिकल भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो चाहे कुछ करना हो, आपको यहाँ पर पहले तो एम्पिरिकल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मोलर मास दिया है, इससे हमको समझ में आ गया कि मोलर मास दिया है मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर पूछ रहा होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मोलर मास बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो निकाल के एन निकालना पड़ेगा। रखिए बताते हैं, सबसे पहले क्या करना, फिर से टेबल बनाना है, पहले क्या निकाल रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालिए, सबसे पहले क्या करना है एलिमेंट, एलिमेंट के बाद क्या करना है आपके पास उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसको हम क्या कहते हैं मास, उसके बाद क्या लेना है आपको बोलो बच्चों एटॉमिक मास, क्या लेना है उसका एटॉमिक मास, उसके बाद क्या लेना है कि उसका नंबर ऑफ मोल्स, क्या लेना है नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद क्या उसके बाद क्या करना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो, उसके बाद क्या करना है सिंपलेस्ट रेशियो, और उसके बाद क्या करना है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, क्या करना है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इतना कॉलम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। अब कौन कौन सा एलिमेंट है वो देखो, था कंपाउंड कंटेंस 4.07% हाइड्रोजन है क्या, 4.07% हाइड्रोजन है, ओके कंपाउंड कंटेंस 4.07% हाइड्रोजन, पहले कौन कौन सा एलिमेंट है हाइड्रोजन है, कितना है 4.07, बार बार यहां परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहां पहले ही क्या लिख रखा है परसेंटेज, तो बार बार परसेंटेज लिखने का जरूरत नहीं है। दूसरा आपके पास एलिमेंट क्या है कार्बन, और कार्बन कितना दिया है 24.27%, और तीसरा एलिमेंट क्या है आपके पास क्लोरीन, कितना है आपके पास वो 71.65%। बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, कहां से आया पीरियोडिक टेबल से,
कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, कहां से आया पीरियोडिक टेबल से। क्लोरीन कितना होता है 35.5, कितना होता है 35.5। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो मास को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मास से, यही नंबर ऑफ मोल्स निकलता है, मास बाई एटॉमिक मास। तो 4.07 को डिवाइड कर देंगे 1 से, यहां पे 24.27 को डिवाइड कर देंगे 12 से, यहां 71.65 को डिवाइड कर देंगे 35.5 से। यहां से क्या निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, टाइम बचाते हुए डायरेक्ट देखते हैं इसका रिजल्ट क्या लाया हूं मैं, 2.02, 2.02, 4.07, 2.02। क्या क्या वैल्यू आया, 2.02, 4.07, 2.02। अब देखिए इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो ये भी 2.02 भी छोटा है, ये भी 2.0 सबसे छोटा नंबर को देखना है, दोनों सेम हो गया, तो किसी एक से क्या करना है, जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर देना है। 2.02 को 2.02 से डिवाइड कर दीजिए, 4.07 को 2.02 से डिवाइड कर दीजिए, 2.02 को 2.02 से डिवाइड किया, सबको 2.02 से डिवाइड किए, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल्स वही है, तभी आपका सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। ये डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा लगभग 2 हो जाएगा। अगर 0.00 में फर्क पड़ रहा है ना तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 1, यानी यहां पहले से ही क्या चीज में आ गया, ये होल नंबर में। तो यहां पे 4.07 है या 2.02 है या 4.04 नहीं है, या डायरेक्ट 2 से कैंसिल कर दिया, 2.000 आएगा तो उसको इग्नोर करना, उतना कंसीडर करके नहीं चलना है, 1:1, यानी ये पहले से ही सिंपलेस्ट रेशियो में है। क्या यहां कोई वैल्यू फ्रैक्शन में आया है, नहीं आया, तो यहां मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हो गया 1:2 and 1, सेम रिजल्ट ही देना है। अब यहां से क्या निकल के आपका आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया, लिखते हैं देयरफॉर एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या निकल के आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्या निकल के आपके पास आया बच्चों, हाइड्रोजन कितना 1, कार्बन कितना 2, क्लोरीन कितना 1, यही ना आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, C2HCl, ये क्या निकल के आ गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, ये तो निकल के आया हाइड्रोजन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, क्लोरीन की संख्या 1, तो ठीक है ये, अब ये निकल के आया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब क्या निकालने बोला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है, अब हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो भैया चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमको पता है, हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा, अब n कहां से लाएंगे, तो n निकालने के लिए क्या सिखाए हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को। अब ये सब कहां से आएगा, देखो क्वेश्चन आपको दिया है मोलर मास को ही मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, तो मोलर मास आपको दिया हुआ है यानी ये वाला आपको पता है, अब नीचे वाला निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यहीं से निकाल लीजिए ना। देखिए कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है ना, पीरियोडिक टेबल से कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, तो एक कार्बन का मास 12 है, तो दो कार्बन का मास कितना हो जाएगा 12 × 2 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, क्या करेंगे 1, और कितना हाइड्रोजन है मॉलिक्यूल में 1 है, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, और कितना क्लोरीन है जी 35.5 है, इंटू 1 कर देंगे, चलिए क्या निकल गया 12 × 24 और 35 साढ़े 35 और 24 × 25 25 और 5 30 60 कितना निकल गया है जी 12 × 24 और 25 25 and 5 30 and 30 30 60 60.5 कितना निकल गया है 60.5 चलो बड़ा क्या है देखो एक बार ठीक है अरे 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 गड़बड़ हो गया जी गड़बड़ नहीं देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ 4.07 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी सॉरी 4.07 ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा जी 12 × 24 2.02 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा जी ये
ये भी 2 पॉइंट डिवोट हो जाएगा। ओके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया एक्चुअल में, मैंने वहां सॉल्व किया था ऊपर नीचे कुछ चेंज कर दिया, बाकी सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4.07 को डिवाइड कर देंगे 2.02 से, यहाँ पे 2.02 को डिवाइड करेंगे यहाँ, ठीक है ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 1 1। इसका मतलब हो जाएगा CH2Cl, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी CH2Cl। वेरी सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई माइनर से, बट कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन वो आप खुद यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से गड़बड़ी हुई थी। तो यहाँ से हम निकालेंगे फिर से केमिकल फॉर्मूला, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो गया कार्बन का, हो गया 12 + 2 + 35.5, यह हो गया 48.5, ठीक है। कितना वैल्यू आया इसका, ये क्या निकल के आ गया आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी निकल के आ गया। ये क्या निकल के आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये क्या निकल के आया आपका जी 48.5 इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, शॉर्ट में लिख रहा हूं EFM एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये मिल गया आपको और ये आपको पता है। दोनों को खुद कीजिए जरा, मॉलिक्यूलर मास कितना है 98.9896 को क्या मैं 99 रुपया लिख सकता हूँ, 98.96 को क्या मैं 99 बोल सकता हूँ, चलो लगभग ये 99 दिया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 48.5, 48 × 96, तो चेक करो ये 12 × 2 = 14, 12 × 2 = 5, 49.5 के आसपास है ये, ठीक है 49.5। अब इसको डिवाइड करना है यहाँ पे 49.5 से, अब 49.5 को डिवाइड कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, फिर लगभग 2 टाइम्स जाएगा कि नहीं जाएगा। यहां से n का वैल्यू क्या निकल के आया आपका 2, n का वैल्यू क्या निकल के आ गया आपका 2 निकल के आ गया। अब n का वैल्यू 2 निकल कर आ गया तो अब यहां पुट कीजिए आप उस फॉर्मूला में, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या होता है n * एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है n * एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है, n कितना आया 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आपके पास CH2Cl है, तो क्या करना है कार्बन की संख्या 1 थी अब 2 हो जाएगा C2H, 2 पहले से था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 Cl2, यानी क्या हो गया आपके पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आया C2H4Cl2, और ये हो गया आपका आंसर। तो बस फिर समझिए हमने क्या किया, क्वेश्चन में दिया था सबका एलिमेंट हाइड्रोजन, एक दिया था एक कार्बन दिया था एक क्लोरीन दिया था, ठीक से समझिए हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन, और इन तीनों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया था मतलब कि उसका मास दिया हुआ था, तो ये उसके मास हो गया। और ये एटॉमिक मास हमने कहां से लाया पीरियोडिक टेबल से, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, क्लोरीन का 35.5 लेकर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास बाई एटॉमिक मास, ये एक तरह से मास ही है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है एक तरह से मास है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाई एटॉमिक मास, मास बाई अगर एटम रहेगा तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो एटॉमिक मास क्या हो गया 1 12, तो डिवाइड किया हमने नंबर ऑफ मोल्स, इसका मास 4.07, एटॉमिक मास 1, तो 4.07 को 1 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा 4.07, 24.27 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 24 लगभग 2.02, उसी प्रकार 71.65 को 35.5 से डिवाइड करेंगे लगभग 2.02। अब हमें क्या करना है, तीनों में देखना सबसे छोटा वैल्यू कौन है, जो सबसे छोटा रहेगा उसको घेरा लगा लेना है। तो यहाँ 2.02 या 4.07 है या 2.02 है 2.02 है, सबसे छोटा जो रहेगा उससे क्या करना है सबको डिवाइड कर देना है, आप इसको भी घेरा लगा सकते थे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया 4.07 को 2.02 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 2 1 1, यहाँ पे पहले से होल नंबर में आ गया, अगर ये डेसिमल में होता तो मल्टीप्लाई करना होता, लेकिन ये पहले से ही क्या चीज में है ये होल नंबर में है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आई। और इस प्रकार हाइड्रोजन की संख्या निकल के आया 2 तो हमने लिख दिया H2, कार्बन की संख्या निकल के आया 1 तो हमने लिख दिया कार्बन की संख्या 1 1, लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन की संख्या कितनी आई 1, हमने क्या कर दिया CH2Cl, ये निकल गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसी के एटॉमिक मास को जोड़कर हमने क्या निकाल लिया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल, ठीक है इसका यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल। देखो ना कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो एक यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है 12 की,
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वन, दो हाइड्रोजन है तो वन टू से टू कर दिए डायरेक्ट। क्लोरीन का ही संख्या एक है और क्लोरीन का मास होता है 35.5, टोटल जोड़े कितना हो गया 49.5। अब हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकल गया, हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एन निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया रहेगा मॉलिक्यूलर मास, कभी कभी मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया रहेगा तो उसके बदले क्या दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन रहे 2 से मल्टीप्लाई करना है वेपर डेंसिटी को, तो क्या निकल जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास को 2 इनटू वेपर डेंसिटी करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास कर दिए यहां पर एम्पिरिकल फार्मूला मास। फ्लाइट मोड में डालना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था एन का वैल्यू निकाल कर उसमें पुट कर दिया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया। इसके बाद और भी क्वेश्चन जो करना है, लेकिन पहले ये दो बेसिक क्वेश्चन थे, अब थोड़ा सा एक एनहाइड्रस वाला क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है एनहाइड्रस वाला, वो इसके बाद वाले वीडियोस में आपको देखने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यही रखते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो और दो तीन क्वेश्चन कराएंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे, जो वास्तव में एग्जाम्स में आते हैं 5 मार्क्स में, ठीक है। तो अभी दो क्वेश्चन ही रखिए, पैटर्न आप समझिए पहले।